हाय गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल आरजे सुरभि सक्सेना ऑफिशियल। और आज मैं हाजिर हूँ, पीछे आप देख रहे हैं मेरे एक डेस्कटॉप आपको दिखाई दे रहा है। ये एक दर्द भरी दास्ता है, मुझे थोड़ा दुखी होना चाहिए, लेकिन मैं दुखी भी हूँ, खुश भी नहीं हूँ, दुखी भी हूँ, मगर मुझे हंसी आ रही। मैं अपने दर्द भरी दास्ता आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूब का सफर शुरू करना चाहते हैं या फिर इंटरनेट पर अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, इतनी सारी चीज़ों का कि पूछे मत। तो देखिए, ये जो डेस्कटॉप पीछे आप देख रहे हैं, इस वक्त ये हैक हो चुका है। हैक होने की कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से एक सॉफ्टवेयर सर्च कर रही थी, और उस सॉफ्टवेयर को सर्च करने के दौरान मैं थोड़ा क्रैक वर्जन की तरफ जा रही थी। तो मैं जो इंटरनेट पर कुछ यूट्यूब चैनल पर कुछ लिंक होते हैं, मतलब यूट्यूब चैनल पर कुछ चैनल्स होते हैं, उस पर भी गई, और फिर मैं कुछ लिंक्स पे भी गई इंटरनेट पर, और मैंने वो सर्च करने की कोशिश की। सो मैं एडोब एडिशन सर्च कर रही थी कि मुझे क्रैक मिल जाए, बट मुझे क्रैक तो नहीं मिला, बट मेरे सिस्टम का क्रैक बच गया है। मतलब मेरा सिस्टम क्रैश हो गया है, यानी कि मेरा सिस्टम हैक हो गया। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने किसी यूट्यूब चैनल पर मैं गई, और मैंने वहाँ से एक लिंक डाउनलोड किया। उसके बाद वो डाउनलोड भी नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, बट मेरा एक चैनल हैक हो गया। मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे ये बात बहुत बाद में मालूम चली जब मैंने कुछ और देखा। तो यहाँ क्या देखा वो भी मैं बताऊँगी। तो ये कहानी बड़ी दर्द भरी है। तो जब वो चैनल हैक हो गया, फिर मैंने यूट्यूब वालों से बात की, और अपने उस चैनल के बारे में उनको बोला कि भाई मेरा ये चैनल है, इसे प्लीज़ रिक्वेस्ट की कि एक बहुत हम इस पर मेहनत करते हैं, इसे प्लीज़ लौटा दीजिए। फाइनली 2 दिन के अंदर वो मेरा चैनल लौट कर वापस तो आ गया, बहुत मेहनत के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी गलती नहीं थी उसमें, और मुझे आइडिया नहीं था किस तरह से भी होता है। जैसे कि आपको भी आइडिया नहीं होगा कि अब चैनल और सिस्टम भी हैक होते हैं। सिस्टम तो पता था, लेकिन चैनल हैक हो रहे हैं। सब डबल सिक्योरिटी लगाने के बावजूद भी अगर आपका यूट्यूब चैनल हैक हो जाता है, ईमेल आईडी हैक हो जाती है, तो आप क्या कहेंगे बताइए। मोबाइल पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, मोबाइल पर कोई जानकारी नहीं आई, और चैनल गया। मैं बहुत डर गई थी, मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे बात करके अपना चैनल रिकवर करवाया। फाइनली चैनल तो रिकवर हो गया, लेकिन दोस्तों एक और बुरी घटना ये हुई कि उस हैकर ने उस हैकिंग का वीडियो, मतलब स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया। ठीक है, मैं उसका वीडियो आपको नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि वो फेमस ना हो जाए एक तो ये बात, दूसरी चीज़ ये कि उस पर आप वो भी नहीं मार सकते हैं, क्योंकि वो अनलिस्टेड वीडियो है। मतलब आप उस पर स्पैम के कारण जो मारते हैं हम सिक्योरिटी के, कि आप उसको वो कर दीजिए, स्पैम करवा दीजिए कि वो गलत तरीके से काम कर रहा है, वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओपन नहीं है, वो अनलिस्टेड है। और वो सिर्फ मुझे इसलिए दिख रहा था क्योंकि मेरे अकाउंट पे वो आया था, मेरे सिस्टम पे वो दिखाई दे रहा था, इसलिए वो शायद वो मैं ऑब्जर्व कर गई और मैंने क्लिक कर लिया और मैंने वो चीज़ ओपन कर ली और मुझे मालूम चल गया। हालांकि मैं उसे हटवाने की कोशिश में लगी हूँ, यूट्यूब शायद मेरी हेल्प करे दोबारा, बट दोस्तों परेशान हो चुकी हूँ मैं, मुझे डर लग रहा है। ये सिस्टम मैंने इंटरनेट से हटा दिया है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी किसी भी और चीज़ पर वो हमला बोले, तो मैंने अभी हटाया है। विंडो मुझे हटवानी पड़ेगी, विंडो नई डलवानी पड़ेगी, और एंटीवायरस भी अभी यूज़ करना होगा। तो गाइस, कभी भी किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। अगर आप ये सब करते हैं तो मेरी तरह आप भी पछताएंगे, ना हंस पाएंगे, ना रो पाएंगे, और बस बैठ जाएंगे मेरी तरह दुखी होकर, क्योंकि मैं दुखी हूँ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, मेरे साथ बहुत मैं टेंशन में हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है गाइस, और ये अगर हम नहीं करते हैं, किसी भी लिंक को क्लिक नहीं करते हैं तो सेफ रहेंगे, पर क्लिक करते हैं। सो क्रैक वर्जन पर कभी मत जाइए, डोंट गो विथ क्रैक। आज मैं कह रही हूँ फाइनली, जबकि मैं क्रैक ढूंढती रहती थी हमेशा, बट आज फाइनली मैं कह रही हूँ डोंट गो विथ क्रैक। और अगर जा भी रहे हैं तो किसी ऐसे चैनल को देखिए जो प्रॉपर मिलियन व्यूज़ पर हो, जिसपे काफ़ी डाउनलोड्स लोग कर चुके हों, लोगों के उस पर सवाल जवाब हो, उस पर जाइए। नए चैनल पर बिलीव मत कीजिए। आजकल जितने भी बड़े हैकर्स हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूं, मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें मैंने टेक्निकल योगी जी का एक वीडियो देखा था, तो उन्होंने भी बताया था कि ये सारे जो हैकर्स हैं वो रशियन हैं, और सीरियसली वो रशिया में ही खोला गया था। उसकी पूरी डिटेल बाद में मैंने अपने जब रिकवर हुआ उसमें देखा, तो वो कहाँ पर लॉगिन हुआ था, 19 सितंबर 2021 को वो रशिया में लॉगिन हुआ था। तो इस तरह से लोग हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं, तो इस चीटिंग से आप बचिए और अपने आप को सेफ रखिए गाइज, और कभी भी उस पर मत जाइए, किसी भी क्रैक वर्जन के लिए मत जाइए। सो आई होप कि आप मेरी इस कहानी को सुनकर थोड़ा कुछ समझ गए होंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हो जाएं और वो भी सुरक्षित।